नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टेक। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और बहुत सारे सवाल कमेंट में मुझसे ये पूछते हो आप कि सर, अगर गूगल प्ले स्टोर से हम कोई म्यूजिक खरीद ले, कोई गाना खरीद ले, तो क्या हम इसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो हम पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर, मूवी कैसे अपलोड की जाती है, अगर हम कोई मूवी अपलोड करेंगे तो हमारे पर कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा। हम कहीं से मूवी को परचेज कर ले, बाय कर ले, उसके बाद हम अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्यों आएगा, क्या नियम है, क्या कानून है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि सर, मान लो मैंने टीवी में देख रहा हूं, टीवी के चैनल के पैसे मैंने दिए, अब कोई चैनल पर सीरियल आ रहा है, मैं उसको वहां से अपने कैमरे से रिकॉर्ड करूंगा तो मुझ पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, क्या पॉलिसी है, यूट्यूब की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। और इसका पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन आज की वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो जाएगी, 10-12 मिनट की, लेकिन आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी और आपको कभी भी ऑनलाइन काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें आप सुधार कर लेंगे, जो आपकी जो अर्निंग है उसके लिए काफी अच्छा रहेगा, जो कि आप ऑनलाइन से करना चाहते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, टेक्निकल योगी, वहां पर आप सर्च कीजिएगा। वहां पर मैं अच्छी अच्छी पिक्स भी पोस्ट करता रहता हूं, और वहां पर 1 फरवरी 2019 से मैं स्टोरी में रोज #AskYogi वाले क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा वीडियो बनाकर। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा यह सवाल बना रहता है कि अगर मैं मूवी को कहीं से भी परचेज कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं, या फिर कहीं से डाउनलोड कर लेता हूं और इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो मुझ पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, दूसरा सवाल क्यों आएगा। तो पहला जवाब तो यह है कि भाई 100% आप पर कॉपीराइट आएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल यह कि भाई क्यों आएगा। देखिए, अगर आपने कहीं से भी उसको डाउनलोड करके अपलोड कराया तब तो सिंपल सी बात है, कॉपीराइट स्ट्राइक बनता ही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर, हमने मूवी को बाय कर लिया, अब बाय करने के बाद तो हम भैया जब खरीद ही लिया तो हम अपलोड करें, फिर हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आएगा। पहली बात, आप मूवी को परचेज कहां से करोगे। देखो, आप किसी भी वेबसाइट से अगर ऑनलाइन मूवी डाउनलोड करते हैं तो ये एक भारतीय कानून में ही जुर्म है, यानी कॉपीराइट एक्ट इसमें लगा हुआ है, ये है पायरेसी। यानी मूवी के जो प्रोड्यूसर है, या फिर म्यूजिक जो म्यूजिक है उसके जो प्रोड्यूसर है, या म्यूजिक कंपनी है, या कोई ऐसी कंपनी जिसको मूवी बनाने वाले ने उसका कॉपीराइट बेच दिया है, ये सारी जो है जो प्रॉपर्टी यानी मूवी है या म्यूजिक है ये उनका है, तो आप इसे नहीं कर सकते डाउनलोड। किसी भी वेबसाइट से अगर डाउनलोड करें तो वेबसाइट भी गलत है, वो भी कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए मूवी डाउनलोडिंग की वेबसाइट अक्सर आप देखते होंगे बंद होती रहती है, डंप होती रहती है, ये सारा काम जो है वो गलत है। दूसरा, आप कहते हैं सर यूट्यूब पर ही मूवी मिल जाती है, हमने 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए में आपने देखी होगी, हम अगर इनको बाय कर ले, बाय करके हमने डाउनलोड करके अपलोड किया तो हम पे कॉपीराइट क्यों, हमने तो बाय कर लिया। पहली बात, YouTube का कोई भी वीडियो डाउनलोड करना ही YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें आप किसी एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं या बताते हैं कि भाई YouTube की वीडियो कैसे डाउनलोड करें, तो भी ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन थे जिनका लोगों ने रिव्यू किया और उनके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई। मैंने ऐसी किसी एप्लीकेशन का कभी भी रिव्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे YouTube की पॉलिसी काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा भाई 25 रुपए में मैंने तो मूवी ले ली, तो भाई वो जो बाय किया है आपने वो सिर्फ उसका वॉच का पैसा है, यानी आपने 25 रुपए देकर आप मूवी देख सकते हो, इस मूवी को आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने 50 रुपए यूट्यूब पर दिए, आप मान लो मूवी की कोई 50 रुपए की मूवी मिल रही थी, आपने ली, आप उसको सिर्फ वॉच कर सकते हो, उससे एंटरटेन हो सकते हो, आप उसे डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते। किसी भी मूवी का आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहली बात तो मूवी का ये हो गया। अब आप कहोगे सर कुछ लोग तो करते हैं, तो भाई देखिए बात ये है कि लोग करते रहते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती रहती है, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि आप गलती ना करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक की। तो देखिए म्यूजिक, कुछ लोग कहते हैं सर हम म्यूजिक खरीद कर अपलोड कर लेंगे। भैया म्यूजिक को आप खरीद रहे हैं वो सिर्फ आप सुन सकते हैं, वो भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आप उसका कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। यानी कि आपने म्यूजिक ले लिया तो म्यूजिक नहीं खरीदते, अगर आपको उसका कुछ करना है तो आप उसका कॉपीराइट परचेज कर सकते हैं। अब कॉपीराइट परचेज तो भैया लाखों करोड़ों की बात है, वो तो कंपनी टू कंपनी करते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अब जैसे AI Plex वगैरह जो देते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक, उनका यही है कि वो कॉपीराइट परचेज करते हैं, यानी कि
कंपनीज कॉपीराइट बेच देती है, अब उनकी प्रॉपर्टी है, वो आप यूज नहीं कर सकते। आप म्यूजिक को सुन सकते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। और यूट्यूब भैया सबको पता है एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि डिजिटल जो अब हो रहा है पूरा का पूरा इंडिया, इसको लेके भारत सरकार भी सख्त होती जा रही है आने वाले टाइम में, बल्कि शुरू तो हो चुका है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा कि जो लोग डीजे बजाते हैं फिल्म मतलब कि शादी ब्याह में या फिर कोई और फंक्शन होता है, डीजे बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा जो डाउनलोड करके आपको जो है मोबाइल में दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं उनसे, ये सब भी अवैध है। यानी इस पर भी सरकार अब सख्त हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको जो है मतलब कि कंपनी को ऐसे लाइसेंस दे दिए गए हैं कि अब कोई भी आप देखने को मिलेगा आपको कुछ दिनों बाद कि कोई भी डीजे वाला भी अगर म्यूजिक बजा रहा है तो उसे भी उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, कंपनी ने म्यूजिक बनाया वो आप एंटरटेन कर सकते हो, आप घर में उसे बजा सकते हो, आप यूज कर सकते हो, लेकिन डीजे वीजे बजाते हो तो सिंपल ही बात है उसका कमर्शियली यूज हो जाता है। तो आप किसी भी मूवी का और किसी भी गाने का या म्यूजिक को आप कहते हो कि मैं खरीद के कर लूंगा, तो भैया खरीदना नहीं होता, आप उसके कॉपीराइट खरीदते हो तो आपका अधिकार होता है। अदरवाइज मूवी आप खरीदते हो तो आप सिर्फ देखने के लिए और एंटरटेन होने के लिए खरीदते हो, गाने अगर कहीं से परचेज करते हो, डाउनलोड करते हो परचेज करके, तो वो भी आप सिर्फ एंटरटेनमेंट कर सकते हो, उससे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, ना यूट्यूब पे, ना ही ऑफलाइन भी नहीं कर सकते। मैंने जैसे सबको बताया आने वाले टाइम में ऐसे कानून बन रहे हैं कि आप डीजे वगैरह में कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे, इस पे भी सजा का भी प्रावधान रहेगा। और भारतीय जो कानून है इसने क्या पुलिस को भी, जो पुलिस होती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं वहां पे जो एसपी वगैरह होते हैं, उनको भी सबको ये कानून पहुंचाने में लगी हुई है। सरकार बहुत जगह पहुंचा दिया है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी जो है अनाउंस कर दिया है। ये कंपनियां अब ध्यान रखेगी जिस भी डीजे बज रहा है कहीं या कोई मतलब कोई भी कमर्शियली यूज कर रहा है किसी भी गाने का, तो वहां पर उसको भैया लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसको सजा भी मिल सकती है। तो ये बहुत सख्त कदम उठाया जा रहा है कॉपीराइट को लेकर। अब तीसरी बात भाई, सीरियल जो है हमारे टेलीविजन पे कोई सीरियल आ रहा है, इसको क्या हम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। क्योंकि देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर देखिए, जैसे मान लो कोई भी सीरियल है आपने कहीं से डाउनलोड किया अपलोड कर दिया, उस पर तो कॉपीराइट बनता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर हमने टीवी लगवा रखा है, हम 300 400 या 500 रुपए महीने में डिश वाले को दे रहे हैं, तो ये सीरियल हम पैसे देकर देख रहे हैं, ठीक है, अब हमने अपने कैमरे या मोबाइल से इनको रिकॉर्ड किया, अब हम इनको डालेंगे या कोई क्रिकेट डाल देंगे, तो भी भैया आप पे कॉपीराइट आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं, जो आप पैसा दे रहे हो वो सिर्फ आपके खुद के एंटरटेन होने के लिए, होम के लिए, आप उसको देख सकते हैं कंटेंट को अपने टीवी पे, ठीक है, लेकिन उसका कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। कमर्शियली यूज करने का अधिकार आपको नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये कुछ पॉलिसी है। आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर मैं फिल्म कैसे अपलोड करूंगा कॉपीराइट ना आए, म्यूजिक कैसे अपलोड करूंगा कॉपीराइट ना आए, सीरियल कैसे अपलोड करूंगा, क्रिकेट कैसे अपलोड करूंगा, तो उसका जवाब मैंने आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी आप गलती करोगे तो भैया आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और भैया चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि यहां पर अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है तो डिटेल्स में मिलती है, आपको देखना पसंद है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगली बार वीडियो में बताऊंगा या फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे। और हाँ, सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल को आपको जरूर से जरूर प्रेस करना है, उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी नई जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।